रामपुर नाम के गांव में राजू अपनी माँ रमा और पिता रघुवीर के साथ रहता था। राजू के पिता गरीब किसान थे। उनके खेत में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उनके पास थोड़ी बहुत ही जमीन थी, जहाँ रघुवीर और रमा मेहनत कर अपना और अपने बेटे की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही खराब थे, जिस कारण राजू स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर भी रघुनाथ ने उस पेड़ को बिना काटे बाकी की जमीन पर ही मेहनत करता, और राजू एक बड़ा ही समझदार और मेहनती लड़का था। अपनी 10 साल की उम्र में ही उसने अपने माँ पिता को खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। वो कुछ देर अपने माँ पिता को मदद करता और जैसे जैसे धूप बढ़ जाती तो वो पेड़ के नीचे छाँव में आकर बैठ कर खेलने लगता और देर देर तक पीपल के पेड़ से बातें करता। एक दिन राजू पेड़ से बात कर रहा था। राजू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे राजू, तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, हर रोज मुझसे बातें करते हो। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमसे बातें करता हूँ। क्यों? जिस दिन ये बात तुम किसी और को बताओगे उसी दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजू और पेड़ दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और हर रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राजू खेत में काम कर रहा था तो रमा और रघुनाथ पेड़ के नीचे पानी पीने आते हैं। तो राजू की माँ रघुनाथ से, देखिए ना हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया, खेलने कूदने की आयु में ही उसे कितनी समझ आ गई है। नहीं रमा, ये तो हमारी गलती है। हमारी परिस्थिति के कारण हमने राजू से उसका बचपन छीन लिया है। ये तो उसके पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन देखो किस्मत ने हमसे तो पूरी जिंदगी मेहनत करवाई, अब हमारे बेटे के नसीब में भी। बोलते बोलते रघुनाथ और रमा की आंखें नम हो जाती है। पीपल का पेड़ ये हर रोज देखता था। रघुनाथ, रमा और राजू की परिस्थिति देख पीपल के पेड़ को भी उनकी दया आती थी। एक दिन राजू पीपल के पेड़ की ओर देखकर, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं। मुझे भी पढ़ना है, लिखना है। जब मेरे दोस्त स्कूल में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और पीपल का पेड़, जो सच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं भगवान तो उनकी परीक्षा लेते ही है। भगवान? भगवान को तो मैंने नहीं देखा, क्या आपने देखा है? राजू की बातें सुनकर पेड़ हंसने लगा। राजू, भगवान हर जगह होते हैं। मुझ में भी भगवान है और तुम में भी भगवान है। भगवान हर जगह होते हैं। तो फिर भगवान जी सबको खुशी क्यों नहीं देते? राजू, मेहनत सबको करनी पड़ती है। हर इंसान को हर चीज आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? अब राजू पेड़ से बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमा पेड़ के नीचे पानी पीने के लिए आती है और देखती है तो वो जोर जोर से रघुनाथ को आवाज देने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए, सुनिए, देखिए तो, ये राजू के पास। रमा को घबराते बोलता देख रघुनाथ वहां पर भागते हुए आ जाता है। तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी राजू अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ जाता है। तो वो देखता है कि उसके चारों ओर पीपल के सोने के पत्ते गिरे हुए हैं। ये देख राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से, पिताजी पिताजी, ये तो सोने के पत्ते हैं ना? रघुनाथ उन पत्तों में से एक पत्ता अपने हाथ में उठाता है और उस पत्ते को यहाँ वहाँ से देखने लगता है और अपने बेटे रघुनाथ से, अरे हाँ बेटा, ये तो सोने के पत्ते हैं, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब रघुनाथ, रमा और राजू तीनों मिलकर पीपल के सोने के पत्ते उठाते हैं और घर चले जाते हैं। आज वो तीनों बड़े ही खुश थे तो आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर रघुनाथ उन पत्तों को शहर लेकर जाता है और उन पत्तों को सोनार के पास बेचकर कई सारे पैसे लेकर आता है। दूसरी ओर राजू खेत में जाता है और पीपल के पेड़ से, दोस्त ये सब तुमने किया है ना,
अब तुम्हारे कारण ही हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू, मैंने जो किया वो सब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मेहनत देखकर किया है। आज से तुम अपने स्कूल भी जा पाओगे, तुम्हारी हर एक समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करना कभी मत भूलना। अब रघुनाथ शहर से वापस आ जाता है और उन पैसों में से कुछ पैसों से वो अपने लिए कुछ जमीन खरीदता है, जिसमें वो और ज्यादा मेहनत कर सके और अपने बेटे को अच्छा भविष्य दे सके। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें हमेशा हताश ना होकर मेहनत करनी चाहिए। इगतपुरी नाम के शहर में मयंक अपनी पत्नी रेवा के साथ रहता था। बचपन से ही मयंक अनाथ था। वो लोगों के घर को कलर कराने का काम करता था और उसी में अपना और अपनी पत्नी का गुजारा किया करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस कारण मयंक की पत्नी उससे हमेशा ही नाराज रहती थी। मयंक एक ईमानदार और बड़ा ही मेहनती इंसान था, साथ ही बड़ा दयालु इंसान था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता था, और ये बात रेवा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह मयंक काम पर निकलता है, तभी रेवा मयंक से, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, काम से आते समय बाजार से कुछ सामान लेकर आना, और आज दो रोटी और चटनी ही दी है, वही समय पर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं आज ही कुछ पैसे एडवांस मांगता हूँ और लौटते समय कुछ सामान ले आऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन याद से लाना, नहीं तो शाम को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मयंक काम करने के लिए घर से निकल जाता है। अब वो अपना काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का मालिक उससे बात करने के लिए आ जाता है, तो मयंक उससे, नमस्ते सर, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे भाई, दो दिन के पहले ही तो तुमने 2000 रुपए लिए थे, अब काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। सर, 500 रुपए तो दे दीजिए। नहीं नहीं, अब सारा काम खत्म होने के बाद ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। अब मयंक रोटी खाने के लिए घर से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है। तभी मन ही मन, अब अगर मैं शाम के समय कुछ सामान लेकर नहीं गया तो रेवा तो आज बहुत बड़ा बवाल कर देगी। लेकिन आखिर उसका भी सही है, भूखे पेट सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं काम करता हूँ, ये रोटी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि रेवा रात के समय पेट भर तो खाना खा सके। कल का कल देख लेंगे, उसे झूठ बोल दूंगा कि मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था। मयंक सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं और साधु मयंक से, बेटे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? साधु के ऐसे कहते ही मयंक को उन पर दया आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे ही उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे देता है। ये लो बाबा, मेरे पास ये रोटी और चटनी है, आप यही बैठकर खा लीजिए। साधु खाना खाने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। खाना खाकर साधु मयंक से, बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैंने तुम्हारी रोटी तो खा ली, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं लोगों के घरों को कलर करने का काम करता हूँ, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे ही मेरा घर चल जाता है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ बाबा, और घर में मेरी पत्नी और मैं दोनों ही हैं। बेटे, उन पैसों में तुम्हारे घर का गुजारा तो होता है ना? साधु की बातें सुनकर मयंक दुखी मन से उनकी ओर देखने लगता है। तभी साधु, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान नजर आते हो, तुमने अपनी भूख के बारे में ना सोचकर मुझे खाना खिलाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक ये जादुई कढ़ाई दे रहा हूँ, तुम इस कढ़ाई से रात के समय जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जो भी पकवान तुम बनाना चाहते हो वो इसमें बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, इसे चूल्हे पर रखकर मन में उस पकवान के बारे में सोचना होगा। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी बेटा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु जाने के बाद मयंक वहीं पर वो कढ़ाई रख देता है और अपना काम पूरा करने लगता है। शाम के वक्त अपना काम पूरा कर मयंक उस कढ़ाई को लेकर अपने घर लौटता है। उसे देख रेवा, ये क्या, आप ये कढ़ाई क्यों लेकर आए हो? अरे, मैंने खाने की चीजें लाने के लिए कहा था, अब क्या आज भी भूखे पेट ही रहना होगा?
रेवा की बात पूरी होते ही मयंक रेवा को साधु की कही बात बताता है। वो बात सुनते ही रेवा गुस्से से वो कढ़ाई चूल्हे पर रख देती है। अच्छा, तो ये जादुई कढ़ाई है। अगर इस कढ़ाई को मैं सोने के सिक्के मांगू तो क्या यह कढ़ाई मुझे दे देगी? ऐसा कहकर वो गुस्से गुस्से में ही सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब वो मयंक को खाने में क्या बना कर दे। सोचते सोचते वो चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए जाती है तो कढ़ाई में सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती है और मयंक को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, सुनिए जी, देखिए तो, देखिए कैसा चमत्कार है ये। अरे ये तो सच में जादुई कढ़ाई है। रात को आपने देखा था ना, मैंने तो गुस्से से ही इसे चूल्हे पर रख दिया था। हाँ रेवा, ये सचमुच की एक जादुई कढ़ाई है। हम इस कढ़ाई की सहायता से हमारे जैसे बहुत से अनाथ लोगों की सेवा कर सकते हैं। मुझे लगता है अनाथ होने के कारण हमने जो दिन बचपन में देखे हैं, वो कोई ना देखे। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके बाद सब लोगों की मदद करेंगे। अब मयंक और रेवा जादुई कढ़ाई से पेट भर खाना और रहने के लिए एक साधारण सा घर मांगते है, क्योंकि भूख और झोपड़ी में ना सही जाने वाली ठंड, गर्मी और बारिश सब कुछ उन दोनों ने सहा था। अब वो बिना लालच के अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर, कपड़े, पढ़ाई करने के लिए किताबें और पेट भर कर खाना देते हैं और मेहनत भी करते हैं ताकि उनके मन में कभी भी आलस या फिर लालच ना आ पाए। उसी से उन दोनों को बहुत खुशी मिलती है। अब मयंक और रेवा की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें अनाथ बच्चों के रूप में कई सारे बच्चे मिल चुके थे जो इन दोनों को माता पिता कहते थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमारे साथ कोई चमत्कार हो या ना हो, हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमें हमारा कार्य करते ही रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास पैसे आने के बाद भी हमें हमारा कार्य करना चाहिए। एक समय की बात है, आनंद सागर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विक्रम के पास दो बैल थे। विक्रम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। खेती के इन सभी कामों में विक्रम की पत्नी भी उसकी मदद करती। इस साल विक्रम ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी और जितनी विक्रम ने इस साल मेहनत की थी उसकी फसल भी इस साल उतनी ही अच्छी आई थी। तरबूज बड़े बड़े हो जाने के बाद विक्रम सारे तरबूजों को इकट्ठा करता है और बैलगाड़ी में भरकर उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर जाता है। लेकिन इस साल मंडी में तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी, इसीलिए विक्रम अपने सारी तरबूजों को लेकर घर लौट आता है और उदास होकर घर के बाहर सोचते हुए बैठ जाता है। तभी विक्रम के चाचा विक्रम के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वो विक्रम को इतना उदास और निराश बैठा देख विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से, अरे विक्रम बेटा, क्या हुआ, इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो इस साल फसल भी अच्छी हुई है, फिर समस्या क्या है बेटा? अरे चाचा, इस साल फसल तो मुझे बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में तरबूजों के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक भी तरबूज नहीं बेचा। बस इतनी सी बात, तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूज किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूज ना बेचकर सीधे लोगों को बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन विक्रम तरबूज बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। विक्रम उसकी तरबूज की बैलगाड़ी एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ी कर देता है। विक्रम के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। देखते ही देखते विक्रम के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम को बहुत अच्छी कमाई हुई। विक्रम खुश होकर अपने घर के लिए लौटता है। इधर विक्रम के घर के पड़ोस में चंदू नाम का एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। विक्रम की अच्छी कमाई हो रही है ये देख चंदू बहुत चौंक जाता है और जब वो विक्रम को पैसों से भरी थाली घर में लेकर जाते हुए देखता है तब चंदू चुपके से विक्रम की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर विक्रम ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगले दिन से चंदू भी हल लेकर तरबूज की खेती करने के लिए अपने खेत की तरफ निकलता है।
चंदू भी अपने खेती की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। चंदू तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर केमिकल का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उसके खेत के तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। चंदू जब एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो तरबूज लाल भी नहीं हुए हैं। अरे ये तरबूज अभी तक लाल ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चंदू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और बाजार से तरबूज लाल और मीठे करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है और सोचता है, अब तो मेरे तरबूज खूब बिकेंगे और मैं भी विक्रम के बराबर पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चंदू भी सड़क के किनारे एकदम विक्रम के नजदीक ही अपने तरबूज मात्र 2 रुपए किलो में बेचने बैठ जाता है। लेकिन फिर भी कोई उसके पास से तरबूज खरीदते नहीं, लोग सिर्फ विक्रम के तरबूज खाना ही पसंद करते है। आइए भाई साहब आइए, ताज़ा मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। चंदू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने के लिए नहीं आ रहा। वो सोचता है, मुझे किसी भी तरह इस विक्रम के बच्चे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज रात मैं विक्रम के सारे पैसे ही चुरा लूंगा। उस रात चंदू चुपके से विक्रम के घर में खिड़की से जाकर देखता है तो उस वक्त विक्रम पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब विक्रम और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो चंदू चुपके से उनके घर में जाता है और पूरी संदूक उठाकर भाग जाता है। अरे विक्रम क्या हो गया, इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं भाई साहब, कल रात को कोई मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग गया। मैंने पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठा कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा ध्यान रखा करो विक्रम, अब जो हुआ सो हुआ, अब अपने खेत पर जाओ और दोबारा काम में जुट जाओ, ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बेचारा विक्रम निराश और हताश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब विक्रम अपने खेत में आ पहुंचता है तब उसे बहुत ही बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर विक्रम चौंक जाता है। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है और विक्रम से, विक्रम ये एक जादुई टंकी है, मैंने देखा है कि तुम अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है, जब भी तुम इस छड़ी को टंकी पर 3 बार मारोगे तो ये टंकी जूस से भर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, टंकी भरने के बाद इसे एक काले कपड़े से ढक देना, तभी इसका जूस बनना बंद हो जाएगा, वरना ये बढ़ता ही रहेगा। इस टंकी का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो और उस धन से तुम हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। विक्रम उस टंकी को उठाकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है देवी माँ ने मेरे मेहनत के इनाम के लिए मुझे ये जादुई टंकी दी है। ये टंकी जूस देती है जूस, जैसे ही इस छड़ी को इस टंकी पर 3 बार मारा तो ये टंकी जूस से भर जाती है। विक्रम अपने पत्नी को सब कुछ करके दिखाता है और उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसे रख देता है। अगले दिन से विक्रम लोगों को तरबूज का जूस पिलाने का काम करता है। और लीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही विक्रम के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई टंकी से विक्रम की खूब कमाई होती थी। विक्रम अब बहुत ही जल्दी अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। इधर चंदू विक्रम की सफलता देखकर बहुत दुखी होता है और फिर से विक्रम के घर जाकर चुपके से विक्रम और उसकी पत्नी की बातें सुनता है। भाग्यवान, जादुई टंकी की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर ये टंकी हमें नहीं मिलती तो आज भी हम गरीब ही रहते थे। इधर चंदू चुपकर विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई टंकी चुराने की सोचता है। अगर मैं इस विक्रम की जादुई टंकी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ, और इस टंकी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर किसी गांव में चला जाऊंगा ताकि मेरा पता किसी को ना चले। चंदू आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे विक्रम के घर में घुस जाता है और विक्रम की जादुई टंकी और छड़ी लेकर भाग जाता है।
टंकी को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए चंदू टंकी को नाव में रख लेता है और नाव से नदी पार करने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अब मैं भी इस जादुई टंकी का थोड़ा सा जूस टेस्ट ही कर लेता हूँ। चंदू को टंकी में जूस कैसे लाना है ये तो पता था, लेकिन उस जूस को कैसे बंद करना है ये पता नहीं था। छड़ी को 3 बार टंकी पर मारकर चंदू टंकी जूस से भर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टंकी से जूस निकलना बंद नहीं होता। धीरे धीरे से पूरी नाव जूस से भर जाती है और चंदू भी उस नाव के साथ साथ नदी में डूब जाता है।